कुछ इसी तरह से हुआ है। सिटी कॉरपोरेशन ऑफ सिटी कमिश्नर जो है हमारे गुलबर्गा के, उनसे थोड़ी देर हुई है आने में। तो फिलहाल मेरे साथ मेरा साहब मौजूद हैं। हम लोग फिलहाल आए हैं एटीवी पर लाइव, फेसबुक और यूट्यूब पर हम लोग आज लाइव हैं। आप लोगों से कुछ गुफ्तगू करने वाले हैं। और कुछ दिनों पहले हमने एक रिपोर्ट बनाई थी गुलबर्गा के गड्ढे, गुलबर्गा के गढ़े, तो उन्हीं के ताल्लुक से आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा साहब से शुरुआत कर दो। मेरा साहब, एटीवी पर हम लोग लाइव हैं, हमारे जितने भी लाइव व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है कि गुलबर्गे का जो है जी नज़ारा आज लोगों को मिल रहा है जी कि शहर में कहाँ कहाँ कैसी हालात है। ये अवाम की आवाज़ ही नहीं बल्कि अवाम की आग भी है एटीवी, जो उस आग से देख रही है, जो तीसरी आग भी कहे जा सकता जी है, जो अवाम की भलाई के लिए बिल्कुल जिस तरह का कमिश्नर का उस स्पॉट पे आना जहाँ पर एटीवी ने उनको याद दहाई कराई, जी तो ये खुशाइन बात है। बिल्कुल ये उनकी ड्यूटी है, कमिश्नर की ड्यूटी है, इंजीनियर्स की ड्यूटी है, जी सैनिटरी इंस्पेक्टर की ड्यूटी है, इन्वायरमेंट के इंजीनियर भी हैं कॉरपोरेशन में, मैं समझता हूँ जी वो इन्वायरमेंट का कैसा अंदाज से काम करते हैं वो। जी लेकिन जहाँ तक शहर को अगर हम देखेंगे तो बहुत गलीज शहर में शुमार होता है कार गुलबर्गा, बिल्कुल क्योंकि गुलबर्गा कारपोरेशन है, जी कोई टाउन म्यूनसिपाल्टी नहीं है, म्यूनसिपाल्टी नहीं है, म्यूनसिपल काउंसिल नहीं है, सिटी कारपोरेशन गुलबर्गा, वो हिसाब से उसका ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। जिस तरह से काम करना है, जिस तरह से वर्क जी हाँ करना जी है, हाँ जी हाँ क्योंकि देखिए मेरे प्रोग्राम का उन्वान ही में हमने ये रखा है, एटीवी का असर पहुंचे वहीं सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर। बहुत अच्छी। तो जिस तरह से आप वीडियो में मेरे पास आप देख रहे हैं, आप जिस तरह का कॉम्बिनेशन वीडियो में चल रहा है, आप उसको देख कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटीवी का जो रिपोर्ट का जो असर हुआ है कमिश्नर पर, क्या कहना चाहेंगे इसका असर किस तरह से उन पर हुआ होगा, अवाम के जरिए इम्पैक्ट क्या रहा उन इम्पैक्ट अवाम तक अवाम की आवाज़ जाती है, अवाम में एक रिलेशन आता है जी कि भाई आज हमने देखा टीवी में ऐसा हुआ, क्या कर रहे हैं ये ऑफिसर्स, जिसकी जिम्मेदारी है जी उनके कानों तक बात पहुंचती है। जी ये मीडिया है, ये एक ज़माने में सिर्फ कलम से अगर लिख देते पत्रकार तो फौरी सुबह में मालूम होता था उनको कि बिल्कुल आज ये लिखा गया। आज तो फास्ट है, आज तो टेक्नोलॉजी का दौर है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि एटीवी की जहाँ पड़ी नज़र जी वहाँ पर पहुँचे हमारे कमिश्नर, ये खुशहाल बात है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साहब। तो मोहम्मद इफ्तेखार साहब का सबसे पहला कमेंट आया है मेरे पास, मैं उनके इस कमेंट को दोहराना चाहूँगा। वेल डन एटीवी फॉर योर इनिशिएटिव, कीपिंग डूइंग इट योर रोल इज क्वाइट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ आवर सिटी। बिल्कुल इफ्तेखार साहब, हम आपके इस अल्फाज के काफ़ी शुक्रगुजार हैं, काफ़ी अच्छा अल्फाज आपने कहा है हमें, क्योंकि आप लोगों के बिना हम लोग अधूरे हैं। अगर आप लोग हमें इसी तरह के जो मसाइल हैं आप लोगों के काफ़ी सारे गुलबर्गा में, मेरा साहब ये जो गड़ा गिरा था, जो खड्डा जिसे कहते हैं एकदम रफ लैंग्वेज में अगर हम कहें, तो ये गुलबर्गा का कहीं ना कहीं एक ऐसा नाता हो के बेटा, यानी कि चाचा भतीजे का रिश्ता मुझे लगता है गुलबर्गा की सड़कों का गड्ढों से, क्या कहना चाहेंगे आप? ये देखिए गड़े जो है गुलबर्गे में हमेशा रहेंगे आपको, जी वो इसलिए कि वो जो वर्क है वो जी क्वालिटी नहीं होता वर्क। अच्छा, यानी कि जो जिस तरह से जब रोड की जब तामीर होती हाँ है हाँ वो समय पे सही तरीके का नहीं वर्क होती मटेरियल है। यूज़ नहीं होता है। जी, आपको मैं मिसाल देता हूँ, गुलबर्गा जी शरीफ में दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज जी है, हर साल वहाँ रोड बनती है, जी हाँ बिल्कुल, लास्ट ईयर भी हमारे एक न्यूज़ के जरिए से रोड बन हर गई साल थी। रोड बनती है और हर साल गड़े वहाँ रहते हैं, तो वो रोड कब बनती होंगी और वो गड़े कब पड़ते होंगे वो आज बिल्कुल भी आप देख सकते हैं जी हाँ बिल्कुल कि कितने गड़े हैं दरगाह एरिया में। और मैं चैलेंज करता हूँ गुलबर्गा में जी कि जो पॉपुलेशन है गुलबर्गा का, सबसे बड़ा पॉपुलेशन रोज़ा जी हाँ रोज़ा मोमिनपुरा, ये सराउंडिंग एरिया जो जी, है दरगाह के नियर बाई जो आजू बाजू में नियर, आता हाँ है अलॉन्ग विथ महबूब नगर कॉलोनी जी एक्सटेंशन एरिया, जी तो ये बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ बहुत बड़ी ज़रूरत है जी कॉरपोरेशन के काम की, लेकिन वैसा काम नहीं होता। दूसरा जो चैलेंज मैं करना चाहता हूँ, जी सबसे ज़्यादा टूरिस्ट दरगाह ख्वाजा बंदा नवाज को आते हैं बिल्कुल बिल्कुल, पाँच गुलबर्गे हज़ार से में। दस हज़ार तक हाँ ज़ायरीन आते हैं डेली के विज़िट पे वो अंदाज से भी यहाँ का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा कि यहाँ जी टूरिस्ट आते हैं और कितना बुरा भला कह के जाते होंगे, जी उसका भी अंदाज नहीं, जो गलाजत का जो है ना एक रिकॉर्ड है। जी हाँ तीसरा जो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, जी
कि यहाँ पर जितने लॉजेस हैं दरगाह के अतराफ सराउंडिंग 200 मीटर में, जी पूरे गुलबर्ग में उतने लॉजेस नहीं है। जी बिल्कुल, जितने ज्यादा यहाँ पर लॉजेस जितने हैं, लॉज यहाँ के अगर टोटल मिला है जी, और सिर्फ 300 मीटर की रेंज में, जी हाँ 300 मीटर जी हाँ की रेंज में जितने बिल्डिंग लॉजेस हैं, जितने यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, पूरे गुलबर्ग के उतने लॉजेस नहीं है जो सिर्फ दरगाह के दरगा पास एरिया में सराउंडिंग 300 मीटर पे है। तो ये हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होना, एक टूरिज्म स्पॉट के वजह से इसका ये होना जी, लेकिन उधर कोई ख्याल ही नहीं करते। बिल्कुल, देखिए वही गड़े हैं, वही नालियां हैं, वही नालियों में से बिल्कुल वही पानी वही जो है एक तकालीफ जमाने से बहता रह रहा बह है। रहा, आज भी बह रहा है। वहां दरगाह के पास एक बैंक है, उसके सामने गंदगी है, जी हाँ, वो तो मतलब एक कचरे का स्पॉट बन चुका है, यानी कि स्पॉट वहां है पर कोई ऐसी चीज भी नहीं है, मगर हमारे लोग भी काफी सारे वहीं पे मतलब बिल्कुल। लाते हैं कचरा, डंप करते हैं, हाँ मतलब कहीं ना कहीं मेरा सब हमें ये लगता है कि लोगों की भी जिम्मेदारियां होनी चाहिए साफ सफाई के लिए, दोनों तरीके की जिम्मेदारी रहेंगी तो ये सही हो जाता है, बिल्कुल लोग भी बिल्कुल, कचरा फेंकते हैं वहां पर लाके बेजिम्मेदाराना तौर पे, क्या कहना चाहेंगे आप इसको? पहली जिम्मेदारी तो लोगों पर ही जाती है। जी हाँ ये जो भी खराबा हो रहा है शहर का, इस शहर के लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं, जी हाँ क्योंकि ऑफिसर तो बाहर से आते हैं बिल्कुल, और उन्होंने अपनी ड्यूटी करके चले जाते हैं, जस्ट लाइक अ उनको वन हाँ ईयर के विजिटर होते हैं वो 1, 2, 3 जो जो भी भी है, हो जैसा जी उनको समझ में आए, जी लेकिन उनको इतनी मोहब्बत तो हमारे शहर से नहीं होंगी। काफी क्यों अच्छी होंगी? बात, जी हाँ क्यों? वो ड्यूटी करना है, ड्यूटी करके परफॉर्म करके जी अपना टारगेट रीच करके जाते हैं, लेकिन जी हमारी जिम्मेदारी है, अच्छा शहर हमारा, लोग हमारे, फिकर हमारी, जिम्मेदारी हमारी, हमें बिल्कुल, जिम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी हाँ देखिए काफी अच्छी बात आपने की। अच्छा जो हमने जो परसों की जो हमारी न्यूज़ थी, जो कड़ा हमने दिखाया था केवीएन के पास का जो रोड का, उस पर जो है कमिश्नर जो है सिटी कॉरपोरेशन ने उन्होंने पर्सनली विजिट कर कर उन्होंने कुछ जायजा लिया है, बहुत तो बहुत उन्होंने जब एटीवी के जो हमारे आयतुल्ला साहब हैं उनसे जब बात करते हुए तो उनको कुछ कहा गया, तो उन्होंने कहा कि आपको मैं बनने के बाद आपको मैं इस बारे में इंटरव्यू दूंगी, तो इस बारे में क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, हम उनका शुक्र गुजार हैं जी कि यानी कि अभी हम कुछ उन्होंने, बात नहीं करेंगे, जब रोड बनेंगी तब हम बात करेंगे, उन्होंने इस हाँ तरह से बिल्कुल, कहा है। आप काम करें तो हमारे काफ़ी है, बात करने की ज़रूरत है ही नहीं, जी लेकिन फिर भी हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि जी उन्होंने ए टी वी के असर से यहाँ तक आए, जी हाँ तो उन्हें चाहिए कि वो ए टी वी को फॉलो करें, जी हाँ क्योंकि अब ए टी वी अवाम की आवाज़ थी, अब अवाम की आँख हो गई है, बिल्कुल तो वो आँख हम आपको बताएंगे, तो जी हाँ लाजमी बात है उसमें कुछ उसके एक्शन होंगे, बिल्कुल तो मोहतरमा जब विजिट करें तो उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहिए, बिल्कुल और जितने भी सबॉर्डिनेट हैं उनके, जी ऐसी बात नहीं है उन्होंने आना बोल के, जी इंजीनियर्स हैं, एरिया इंजीनियर्स जी हैं, हाँ और फिर वही इन्हों सारे लोग कहाँ, मेरा सब ये हमें हमें कभी नजर तो नहीं आती, वो है कहाँ आकर? ऑफिसों में रहते हैं, एसी में ज्यादा रहते हैं अच्छा जी और एसी गाड़ियों में ज्यादा जी रहते हाँ, हैं, क्योंकि हमने भी तो सुना है इतने सारे वो है ये है, मगर अभी आपने कहा तो मगर ये लोग मिलते क्यों नहीं हाँ है? वो इन्वायरमेंट इंजीनियर्स जो हैं वो असल गढ़ों और नालियों के पास ही दिखना उन्हों, हाँ जी बदकिस्मती हाँ से वो वहाँ नजर नहीं आते, या अपनी गाड़ी से जैसे हवाई सर्वेक्षण होता है, देखिए जी जैसे हवा से देखते हैं सैलाब ज्यादा जी हाँ इलाकों को, जी हाँ वैसा उन्हों कार से देख के जाते हैं नालियों को, अच्छा और वो काम नहीं होता प्रैक्टिकली, जी और अफसोस इस बात का, अफसोस इस बात का है जी कि कारपोरेशन के सैनिटेशन पर रोजाना लाखों रुपए का खर्च आता है। मगर सैनिटेशन करते कहाँ हैं फिर ये लोग? हाँ ये करते कहीं हैं, ऐसा तो नहीं है अपने घर के करते अतराफ हैं ना, कर लिए घर के सैनिटेशन? अतराफ, कमिश्नर के घर के अतराफ, ऐवानशाही के अतराफ, जी ऑफिसों के अतराफ, जी मेन मेन रोडों पे करते हैं, अंदर जी नहीं करते, आप देखते रहते हैं, लेबर बैठे हुए रहते हैं, कचरा भी बैठे हुआ रहता है, जी दोनों मुतमइन रहते हैं, कचरा अपनी जगह है, जी काम अपनी जगह है, और ये जो जिम्मेदारान है ये अपनी जगह है। उनको तो देखिए ये काफी मतलब एक शर्मनाक किस्म की बात बिल्कुल है, सर, जितने सारे लोग हैं आखिर ये जिम्मेदार अपने आप को जिम्मेदार बताते हैं, जब आप जिम्मेदार हैं तो अपने घर की जिम्मेदारी तो हम निभाते ही हैं, उसी तरह से आप शहर की भी निकालना जिम्मेदारी चाहिए, निभाइए, आपका ये फर्ज निकाल बनता है है। अवाम में, बिल्कुल, जितने भी लाइव व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वर्क को आप लोग देखते हुए आपका क्या कमेंट है मैं आपके तरफ से जानना चाहूंगा, और ऐसे गड्ढे, ऐसे खड्डे, ऐसे नालियां, ऐसे एरियाज जहां जहां आप हमें कमेंट कीजिए, या फिर आप वहाँ के हमें फोटोज शेयर कीजिए, हम इंशाल्लाह उस पर बैठकर बात करेंगे, क्योंकि मेरा साहब और हमने जिम्मेदारी ली है इंशाल्लाह, तो देखेंगे, क्योंकि आप लोगों के बिना हम लोग अधूरे, जिस तरह से मेरा साहब ने कहा हम लोग आग बने हैं, जी हाँ बिल्कुल, हम लोग 375 मेगापिक्सल की रफ्तार से हम लोग देखते रहेंगे सारी चीज़ों को इंशाल्लाह, इसकी उम्मीद रखते हैं। तो मेरा साहब एक सवाल मेरा और एक है आपसे, जिस तरह से गुलबर्ग का जो पानी है जस्ट लाइक गन्ने का शरबत दिख रहा है वो, अगर हम जी देखें,
हाउस। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, पानी पानी हर तरफ हर कोई ये बोलते हैं, रिजॉल्व क्यों नहीं हो रहा है पानी का इशू? ये एक बहुत बड़ा काम है साहब। जी ये वाटर का जो पहले हम बचपन में देखते थे कि जी पानी बहुत साफ और शफाफ आता था, बिल्कुल लोग घर के मटकों से या घर की टाकी से वो नल को तरजीह देते थे जो अभी अभी खुला है। जी लेकिन आज क्या है, नल खुले के बाद कई देर तक पानी छोड़ते हैं लोग वेस्ट जी उसमें, हाँ नाली बिल्कुल, में इधर, पानी गलीज क्योंकि रहता ले उसमें नहीं सकते उसको जी बाद में, फिर थोड़ी देर के बाद अगर ऐसा आता है। तो ये एक बड़ा काम था, जी ये पिछली क़यादत करना चाहिए था जी और नहीं कर सके। अब क्योंकि 12 घंटे 24 घंटे की बात हो रही है पानी की, कुछ जी इलाकों में 24 घंटे का पानी मिल रहा है जी लेकिन कुछ इलाकों में नहीं मिल रहा, जी तो उसको ज़रा सही कर लेना, रीसेटअप होना। वो उसका अच्छा काम हुआ है, पहले में भी कुछ काम जी हुआ है, वो करके जो है ना, इसको चाहे तो कर सकते हैं इसको, जी ऐसी बात नहीं है जी कि ये नाली में का पानी नल में जा रहा है जी तो ये कहीं ना कहीं पकड़ सकते हैं। जी हाँ इसमें भी अवाम का बड़ा कसूर है, जी अवाम को चाहिए कि अपने टैप को बंद करके फिर चेक करे। अगर समझो किसी नल में गलीज पानी आ रहा तो पूरा हवा खड़ा हो जाना शहर में जी कि हाँ नल में गलीज पानी आ रहा है, जी हाँ नल में नाली का पानी आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन अब हम उसके लिए कोई ऐसा नहीं है हमारे कहीं पास, ना कहीं ये लोग भी मतलब नेग्लिजेंस ही यूज़ कर रहे हैं नेग्लिजेंसी से यूज करके वैसा पानी पी के नेचर भी वैसे हो गया। जी हाँ अब बात बात बोले नल का पानी दो बर, उसमें जी, विटामिन है और वो कीटाणुओं का ये आता है वो उसको भी अलग टाइप देना, का विटामिन है, वो भी उसके भी हो कुछ गया, अलग उनको तासुर वो भी आप दे आदि सकते हो गए। वो हैं। अच्छा, यानी कि वो तो आदत पड़ता जा रही है आदत लोगों था, को, बिल्कुल गंदे पानी के आदि हो गए आदि लोग हो रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। जी। आप देखिए लोगों को घड़ों को कपड़ा लगा के पानी भरते रहते हैं, छन्नी लगा के पानी भरते रहते हैं, करते रहते हैं कोशिश, जी मटके में डालते हैं, फिटकड़ी डालते हैं उसमें, जी हाँ बहुत काम उसके ऊपर बहुत वर्क हो रहा है वर्क वहाँ हो पर, रहा, नहीं कह फिल्टर रहे करने हैं, की जरूरत हो बैरल में रही डाल है के फिर उसकी फिटकड़ी छोड़ते हैं, जी फिटकड़ी फिर आते हैं, जी फिल्टर कर लेते हैं। लेकिन एक ज़माने में फिल्टर होकर आज से 40 साल अगर पहले जाएंगे तो कोई ओवरहेड टैंक नहीं था गुलबर्गे में, ओवरहेड टैंक नहीं नहीं था था जी कोई टैंक नहीं था, जी डायरेक्ट पानी आता था फिल्टर वेट से, और पानी आने के पहले उसमें किस्म की हवा और म्यूजिक आती थी, पानी में पानी नल से, नल से नल से म्यूजिक आती थी, अच्छा लोग ठहरते थे उसको म्यूजिक को बजाते थे, जी, उसके बाद पानी आता था और अरे पानी वाह आते ही फौरी पानी पीते थे। जी, और दिन में 2 टाइम नल खुलता था आपको सुबह और मालूम है, शाम सुबह और शाम, जी, आज हफ्ते में 1 टाइम नल खुल रहा है। वाह, ये कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से भी ये हो रहा है, और जिम्मेदारान तो वो तो लोग है ही है बस लोग क्या है बेहिस हैं, जी और ऑफिसर्स क्या है बोले तो उनको पूछ का एहसास जी यानी कि जब नहीं, कोई जाके सवाल उनसे करता है तो ये लोग उसका जवाब दे कोई पाते अकाउंटेबिलिटी नहीं है बोलेंगे, मतलब कोई जी अकाउंटेबिलिटी नहीं, उन्होंने जो करे सो करे, नहीं जैसा लाइट जाती है जी लाइट कहीं को कहीं पता नहीं चलता। और हाँ, लाइट से आपने काफ़ी अच्छी बात की, हाँ गुलबर्गा की लाइट भी काफ़ी कई एरियाज में लाइट वाले भी तंग कर रहे हैं, जिसको हम जी वाले क्यों, कहीं ना कहीं मतलब ऐसा मुझे लगता है, बारिश अगर नहीं भी आ रहा, अगर वो घर में अगर कोई वीडियो में अगर टीवी में अगर कोई सीन देख लिया लाइट वाला हाँ बारिश का, तो लाइट बंद कर दे रहा हूँ, ऐसा दिख रहा है मेरे को। बिल्कुल, उन्होंने जो है वो फिर दोबारा वो खराब नहीं होना, हाँ फिर हमको जाकर रिपेयरिंग करना नहीं उस पड़े, इसलिए उन्होंने पहले ही बंद करके बढ़ जाते। देखिए, गुलबर्गा को स्मार्ट सिटी भी कहते थे, कहते हैं ये, हाँ मतलब नहीं, क्या हो क्या रहा है, स्मार्ट सिटी में तो ऐसा नहीं होना चाहिए गुलबर्गा कभी भी स्मार्ट सिटी नहीं रहा जी और पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन बहुत जैसे गुलबर्गा जैसे था जी वैसे धूल धूल बरगा था, धूल धूलबर्गा जी धूल और पॉल्यूशन से जो है ना गुलबर्गा भरा हुआ है, जी और ये इंक्रूजमेंट एक अलग है, जी गुलबर्गा बड़े मसाइल से दो चार है। जी अगर आज अगर हम झाड़ नहीं लगेंगे, जी आज हम इंक्रूजमेंट नहीं हटेंगे, जी आज हम कोई रूल फॉलो नहीं करेंगे तो गुलबर्गा कल नहीं सुधर सकता। बिल्कुल ये डिपार्टमेंट होते हैं इसीलिए कि जी वो रूल्स फॉलो करें और लोगों को जो है ना ये करें। लेकिन आज देखिए, आज बाजार को जाइए आप, जी हाँ, सुपरमार्केट काफ़ी बिजिएस्ट और काफ़ी ख़रीदारी का माहौल वहाँ पर होता है, इस तरह से सरफ बाज़ार का कुछ जिक्र हम मैं पूछना चाहूँगा आपको, सरफ बाज़ार के बारे में कुछ बताइए आप देखिए शराब बाजार जो होता है हर शहर में शराब बाजार होता है, जी
सराफा बाजार जो है वो सोने चांदी जेवरात हीरे जवाहरात का व्यापार होता है, यानी कि सबसे महंगी चीज़ वहीं महंगी मिलती चीज है। होती है, और वो एक बड़ा और एक स्टैंडर्ड बाजार होता है। जी लेकिन अगर हम गुलबर्गे का सराफा बाजार देखेंगे जी हाँ तो लोग जो है उसको बजन इतना बुरी हालत में है, बिल्कुल शराब बाजार है, मार्केट रोड है, जी आपके किराना बाजार है, चौक है, जो मेन गुलबर्गे के जो जहाँ आदमी को आना जरूरी है, सराफा बाजार को आना जरूरी है, आदमी को जी मार्केट को आना जरूरी है। जी लेकिन क्या मार्केट को आएंगे आप, कितने धक्के खाएंगे, कितना रास्ता जो है ना खराब है, वहाँ की ट्रैफिक उसका भी उसी अंदाजा तरह नहीं से, है। यानी कि ट्रैफिक कंट्रोल की भी हम थोड़ा इसके अंदर ट्रैफिक का मेलमाल। बहुत अहम रूल है, ट्रैफिक को रूल को फॉलो करना, लोगों को एक मिलाना, रोड चौड़ी करना, उसको इंक्रूजमेंट, जी हाँ जस्ट लाइक इंक्रूजमेंट भी जी कोई हाँ उधर ध्यान नहीं दे रहे, इंक्रूजमेंट क्या है उसको नहीं मालूम होता। जी अगर इंक्रूजमेंट नहीं रहा तो काफ़ी सहूलत होती लोगों को, जी वो इंक्रूजमेंट करने वाले भी लोग हमारे ही हैं, तो उन्हें चाहिए कि रास्ता छोड़ के कारोबार करें। जी थोड़ा सा हम नीचे उतरते हैं मार्केट में, सरफ बाजार से अगर थोड़ा नीचे भी जाते हैं तो काफ़ी हमारे सबसे बड़ा टांगा स्टैंड है, ओल्ड महबस के वहाँ हाँ सबसे बड़ी ओल्ड मस्जिद भी है ओल्ड वहाँ पर, मार्केट रोड, तो हाँ वहाँ का भी हाल कुछ इस तरह से, सुपरमार्केट की मस्जिद के जी सामने इतना बड़ा कचरे का ढेर लगा होता है, जी और जी तो कॉरपोरेशन ये उसको हटाती भी नहीं है, ये तो लोग चलिए फेंकते हैं, तो कॉरपोरेशन की भी जिम्मेदारी होती है उसको हटाएं करें, आप उसके ऊपर भी देखिए कुछ। बाजार में हमारे मार्केट मस्जिद के सामने मिठाई की दुकानें हैं, जी हाँ फेमस मिठाइयाँ हैं काफ़ी, मिठाई उसके सामने फेमस कचरे की दुकान भी है बिल्कुल जो हमेशा कचरा भरा हुआ रहता है, बिल्कुल और वहां से लोगों की गुजरगाह भी है, बिल्कुल गुजरने में भी तकलीफ होती है वो कचरे जी हाँ, से। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है, खुशबू से काफी लोग मुतासिर भी होंगे इसलिए गुजर और रहे हैं जरा आप काफी आगे जाइए टांगा स्टैंड के पास, बेहतरीन से। पूरे फ्रूट वहां बिकते हैं, पूरा कचरा वहीं पड़ता जी है। हाँ और आप सुपरमार्केट से इधर आइए महबस की मस्जिद महाराजा होटल के पास, जी हाँ वहां भी 4 होटल हैं और खाने के बहुत सारे तलन घर हैं, जी वहां भी कचरा है। बिल्कुल तो जहां जहां स्कूल कॉलेज हैं मस्जिद हैं जहां होटल्स हैं वहां गंदगी जरूरी हो गया है, पता नहीं उसका क्या मैच होता है कुछ उसको, मैपिंग है क्या ऐसा लगता है। वैसा लगता है, हालांकि वो जगह बहुत साफ होना चाहिए, जी, यानी कि कुछ वो खाने में टेस्ट आता होगा उस खुशबू से ऐसा लगता है पता है, मुझे। ऐसा गुलबर्गे के लोगों को आदत हो गई है कि कचरे में ठहर के खाए। दरगाह के सामने देखिए आप, जी हाँ बिल्कुल दरगाह के सामने बस स्टैंड है, इतने नीचे इतना बड़ा ड्रेन है उसके ऊपर सब फूड बन रहे हैं और लोग खा रहे हैं, तो क्या ये कहें, देखिए कुछ कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, मैं थोड़ा दोहराना चाहूँगा, एक्चुअली कमेंट्स थोड़े से मिस हो रहे थे। इम्तियाज़ जुनेदी साहब कह रहे हैं अब कॉरपोरेशन इलेक्शन आ रहा इसीलिए ये सब हो रहा है, पीछे पिछले 6 साल से यही हाल है गुलबर्गे का, बहुत सही बात। क्या कहना चाहेंगे आप इम्तियाज़ साहब की इस बात पर। इम्तियाज साहब जो है इलेक्शन की तरफ उनका ध्यान गया है, जी इलेक्शन तो आते हैं चले जाते हैं, जी इलेक्शन को आप मत देखिए, जी आप अवेयर हो जाइए, आप अपने एहसास को जगाइए, जी कहीं ना कहीं हम क्योंकि लोगों की आप अपने जिम्मेदारियां ड्यूटी हैं, कीजिए। इम्तियाज हाँ साहब रहो जो भी बिल्कुल, जितने भी सारे इम्तियाज लोग हैं। हो आपका, ये इम्तियाज है कि आप इलेक्शन में भी ठहर सकते हैं, जी लेकिन मसाइल को पहले रखिए सामने, एक शहरी होने के नाते जी हाँ फिर वो इलेक्शन क्या। मोहम्मद फैसल अहमद साहब कह रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल चेक हाउ ओल्ड आर दी पाइपलाइंस एंड दी वे और द चैनल फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग कनेक्टेड। फैसल साहब पाइपलाइन की आप बात कह रहे हैं, हम लोगों की भी जिम्मेदारी, अभी थोड़ी देर पहले मेरा साहब ने भी ये बात कही है, क्योंकि हम लोग आपको अगर कहाँ की चीज़ अगर ख़राब लगती है तो आप वहाँ के मसले को उठाइए, आप बिल्कुल क्या उठाएंगे, लगता है आपको नहीं ये। नहीं बिल्कुल चाहिए कि भाई हमारे गली में मेरा घर हो जी या बाजू वाले कोई घर का नल फूटा तो पहले उन्हें बना लो भाई तुम, बिल्कुल वरना उसे गंदा पानी पाइप में आने वाला है, पाइप में आने वाला पहले है उसको टैप लगाइए आप, पहले बंद कीजिए आप जी उसको, बंद करे तक नहीं छोड़ना, लेकिन हम नहीं करते हम। जी हाँ पाइपलाइन की कुछ प्रॉपर लाइनिंग हाँ हाँ प्लानिंग जी करके पाइपलाइन नहीं डाले हैं बोल के भी कह रहे हैं ये। अब नालियों के पास जो है पाइप है, जी पाइप में से डालकर पानी आप ले लेते हैं, जी हाँ बाद में पाइप निकाल लेके चले जाते हैं घर में, बिल्कुल अगर वहीं आप एक डट्टा मारे जी या कोई अच्छी पैकिंग का जो है ना इंतजाम करे तो क्या मजा आला गंदा पानी उसमें जाने की। बिल्कुल हर किसी की जिम्मेदारी है। जी हाँ, और ये कह रहे हैं कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट भी हुआ था, यानी कि एहतजाज भी हुआ था पानी के बारे में, कह रहे हैं कुछ दिनों बिल्कुल पहले, क्या वो कुछ इम्पैक्ट दिन हुआ होगा उस पहले एहतजाज देखिए का मेरा साहब, साहब। आप कल का एक दिन छोड़िए, परसों के दिन जो है बीजेपी के लोग वहां बैठे थे जी जिसमें
गुलबर्ग का सबसे अमीर आदमी जी जो एक पार्टी का प्रेसिडेंट भी है जी और एमएलसी भी है जी और उसके तमाम पूरे फॉलोअर मिलके कॉर्पोरेशन के पास बैठे थे जी, आपने पेपरों में देखा जी, होगा जी, तो कौन प्रोटेस्ट नहीं कर रहे जी, असर नहीं हो रहा प्रोटेस्ट करने का आपके तो बात है, वही कितने बात। कनाडा के तंजीमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी, कितने कम्युनिस्ट के तंजीमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं कितनी एनजीओ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो असर नहीं हो रहा जी। जो असर आज ये टीवी से आपको दिख रहा है गनीमत है जी हाँ बिल्कुल। कम से कम जगह पर वो नाली के पास कमिश्नर तो पहुंचे जी हाँ कमिश्नर तो पहुंचे फिर बिल्कुल। क्या होना आपको। देखिए मैं जितने भी हमारे प्रोटेस्ट होते हैं मैं एक छोटा सा हमारी तरफ से मशवरा ये देना चाहूंगा, हम लोग प्रोटेस्ट तो कर देते हैं धरना देते हैं जाके विधानसभा में हम लोग पहुंचा देते हैं बात मेमोरेंडम दे देते हैं, दूसरे दिन आप लोग आकर ये पूछते हैं कि नहीं पूछते हमें पता नहीं, दूसरे दिन भी आपको आगे पूछना जिम्मेदारी है जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई मैंने आपको मेमोरेंडम दिया था इस ताल्लुक से इस ताल्लुक पर क्या वर्क हुआ, लोग पूछते नहीं है क्या वजह हो सकती नहीं देखिए कैसा है ये जी। एक दिन अगर हम लोगों को एजिटेशन के लिए बोला प्रोटेस्ट करने के जी लिए एहतजाज करने के लिए जी आकर ऐसा चले जाते हैं जैसे हमारी मैयत में आए थे जी, भूल जाते हैं उसके बाद जियारत को भी जाना है क्या नहीं जी, वो घर वाले कर लेते हैं बोले जैसा है बिल्कुल। तो हमारे में वो कैपेसिटी आना चाहिए कि हम ये डेमोक्रेसी में हैं हमारा एहतजाज है जी, हम 10 आदमी मिलकर एहतजाज करें तो 2 आदमी उसमें कम से दो कम तो फॉलो रहना करना, जी हाँ फॉलो अप में फॉलो अप रहना तो रहना, मैं क्या वही हुआ सोचता हूँ हुआ। हमेशा हाँ मेमोरेंडम दे देते हैं चलते फिरते नजर आते हैं मगर दूसरे दिन आगे कोई ये नहीं पूछता कि मैंने आपको मेमोरेंडम इस चीज के लिए दिया था कि इस चीज के लिए क्या हुआ, इसी तरह दरगाह वही शरीफ बात के हो गई पास आपकी जब वो रोड इंक्रूजमेंट को निकालने लगे जी और उनको पैसा दे दिया गया है जी, आज 2 साल हो रहा है जी लेकिन क्या भी सहूलत नहीं मिली अवाम को, बिल्कुल पैसा उन्होंने ले लिए जी उन्होंने जाके हो गए, आज कोई एक दुकान बनी एक नहीं बनी एक नहीं बनी, वो तकलीफ वैसे ही है जी बल्कि ज्यादा होंगी तो क्या फायदा हुआ उसका जी। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जी, प्रॉपर उन्होंने इंक्रूजमेंट खाली करे नहीं बना रहे नहीं जी, लोगों को रास्ता मिल रहा नहीं सहूलत हो रही नहीं ये देखना चाहिए, बिल्कुल 2 साल भी होने के बावजूद कोई सहूलत नहीं मिल रही तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन है आप बताइए। जवेर आफरीन जी का एक कमेंट आया है काफी लंबा सा कमेंट उन्होंने किया है थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करूंगा मैं। कलबुर्गी सिटी कॉरपोरेशन के क्लेम्स हैं कि कई एरियाज में सफाई और मेंटेनेंस को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम किए किए ना रहे हैं, कई टीम विजिट करके लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां कॉरपोरेशन वाले अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या ये क्लेम सही है? बिल्कुल कर रहे होंगे कर रहे होंगे, हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लोग नहीं कर रहे नहीं होंगे। वो जो है जैसा हम रमजान का महीना था पिछले रमजान के महीने में अगर आप कॉर्पोरेशन में जाकर रिकॉर्ड उठाओ कि शाम में पूरे लोग हमारे 6 बजे काम कर रहे थे जी कचरा उठा रहे थे उसमें रिकॉर्ड भी मिलेंगे आप जी हाँ, लेकिन यहाँ नहीं दिखे उन्होंने कहीं कहीं दिखे कहीं नहीं दिखे जी, यानी कि जहां पर हाइलाइटेड ऐसा वाली जगह थे वहां पर दिखे इसका मतलब दिखते हैं ऐसा रहते हैं जी। तो वो शाम में प्रॉपर कचरा उठा लेना, रमजान का जो रोजेदार रहते हैं शाम में जो भी मस्जिद के पास आपके जो फ्रूट के ये वो जी वो सब उठाने का जिम्मेदारी थी, हम भी देख रहे थे उनको गाड़ियों को जी हाँ, बस वो गाड़ी एक रस्म के तौर पे फिर रही है और चले जा रही है जी, तो वो गाड़ी वहाँ नोट हो गई वहाँ मोमेंट हो गया गाड़ी का जी बात खत्म हो गई। तो जी, ये जो है जी जितना ऑफिसर्स पे जिम्मेदारी है उससे ज्यादा लोकलिटी पे जिम्मेदारी है बिल्कुल, वो हम नहीं कर सकते। घर को तो झाड़ू मार एकदम साफ तरीन खूबसूरत बना देते हैं पहुंच के फिनाइल लाइजोल वगैरह यूज करके, मगर हाँ, जब बाहर की बात आती है तो बिल्कुल वही है पुराना फिनाइल एकदम। घर तो हम बाथरूम भी धो लेते हैं जी हमारा हाँ, ऐसी कोई शर्म की बात नहीं है, बिल्कुल बाहर आने के बाद पैर से हम जो है ना एक पॉलीथिन भी नहीं हटाना नहीं हटाते पैर से, ये बुरी बात है बिल्कुल। ये देखिए लोगों की ये हम लोगों की हम किसी हर किसी की जिम्मेदारी, हम ये किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहे हैं अपने आप को मिलाकर बोल रहे हैं कि क्या कहें इससे ज़्यादा ये लोगों को। तो मोहम्मद फैसल अहमद साहब कह रहे हैं ऑल ओवर इंडिया देर इज अ स्केयरसिटी ऑफ वाटर, सम स्टेप्स हैव टू बी टेकन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पार्टी, एक्शन एंड कमिटमेंट हैज टू बी डन, ये ऐसा कह रहे हैं सारे। नहीं आपका सर्वे सही है, हम सारे हिंदुस्तान को नहीं देखना है हमारा स्केयरसिटी क्या है जी हाँ, हमारे पास क्या पावर है जी, जो पावर है एडमिनिस्ट्रेशन में है जो पावर है पावर वालों में है जी, उन्हों क्या कर रहे हैं वो हमको नहीं मालूम होता जी, क्योंकि पेपर उनका टाइप उन्हों कर रहे हैं सील उन्हों मार रहे हैं साइन उन्हों कर रहे हैं बिल्कुल बिल उन्हों उठा रहे हैं जी, हमारे को कहाँ से मालूम होता। तो ये गैप है, ये जो गैप है ना ये गैप को फुलफिल नहीं कर सकते कोई भी, ये एक सिस्टम बन गया है जी। इसके सिटी हो गया पानी की किल्लत हो गई
ले वो ट्रक जा रहे हैं, इतनी तेजी से ट्रक जा रहे हैं, वो दिख रहे ही नहीं वो। बिल्कुल तो वैसे ऐसे भी काम होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, हम देखते हैं, हमारे को मालूम है। तो हम चाहते हैं कि अवाम अगर जागरूक हो जाए, जी प्रॉपर अगर हम काम करना, जी जैसे मैं देखा इलेक्शन का एक साहब बात कर रहे थे, जी मैं इलेक्शन में गुज़िश्ता कॉर्पोरेशन में देखा जी 356 कैंडिडेट इलेक्शन खड़े हुए थे, 356। जी हाँ छप्पन बिल्कुल लास्ट कॉर्पोरेशन इलेक्शन गुलबर्गा में, जी, 55 वार्ड यानी कि में, पिछले साल की बात। पिछले साल जी पिछले इलेक्शन की पिछले बात, इलेक्शन पाँच में। छः साल की जी बात, जी 356 कैंडिडेट में जो है 55 लोग जीते, जी तो 306 लोग कहाँ गए फिर, 301 लोग 301 बचे, सॉरी। जी हाँ 301 लोगों को मैं अब तक ढूंढ रहा, नहीं मिल रहे। उनके पॉम्पलेट जी हैं मेरे पास, जी हम शहर को ऐसा बनेंगे, हम मोहल्ले को ऐसा सजेंगे, जी हाँ हम गली को ऐसा, यानी कि जो वादे रहते थे हर रहे एक ही जी वादे, हाँ वादे हम शहर तो का खसमे डेवलपमेंट वादे चाहते हैं, निभाएंगे हम। लेकिन वो 301 लोग भी कुछ नहीं कर सके और जी वो 55 लोग भी कुछ नहीं कर सके। जी उनकी जिंदगियों में कुछ उछाल आया होगा, जी उन्होंने कुछ बने होंगे, लेकिन शहर को कुछ नहीं बनाए। आज कोई गार्डन का हमारे पास तस्वुर नहीं है, जी आज हमारे पास बहुत सारे चीज़ें जो कॉरपोरेशन से होना था जी वो कोई तस्वुर नहीं है, जी और कोई कॉरपोरेशन हमारे को बेनिफिट नहीं दी गुलबर्गे की, जी और ना आगे देने के जैसा चांसेस नज़र आ रहे हैं, जी क्योंकि इलेक्शन तो आते हैं, चुनते हैं, चले जाते हैं। बिल्कुल इससे पहले 4 मरतबा हमने बॉडीज़ को देखे, जी 40 कमिश्नर इनको देखे, मेयरों को, जी लेकिन आज भी वो कोई उसका वो नहीं हुआ, कोई खातिर पैदा नहीं हो सका। देखिए अच्छी सिटी हमारी बनेगी, दूसरा जिस तरह से दूसरे शहर हैं वैसा हम बनेंगे, बस हम लोग ख्वाब देख रहे हैं। कहना यही चाहूँगा, ख्वाब देखो, ख्वाब का चर्चा ना करो, लोग जल जाएंगे, सूरज की तमन्ना ना करो, यानी कि ऐसी उम्मीद रखना भी मेरे हिसाब से बेकार लगता है। देखिए आज अगर एक चीज़ हुई है तो ये एक एक छोटी सी किरण है, ये जी हाँ अगर अवाम जुड़ गए, अगर एटीवी से जुड़ जाते जी हैं हाँ या एक प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, जी आप अपने शहर को कुछ करना चाहते हैं तो यकीनन कर सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि आप मालिक हैं, जी आप जो है बा इख्तियार हैं, जी और आपके लिए ये हुकूमतें हैं, बिल्कुल आपके लिए ये ऑफिसर्स हैं, जी आप उनको यूज़ करो। जी बिल्कुल। देखिए आप लोग जब अगर जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि हम आप लोगों के बिना अधूरे हैं। बिल्कुल आप अगर हमसे जुड़ेंगे, चाहे मोमिनपुरा रहो, चाहे मिजगुरी रहो, चाहे सरफ बाज़ार रहो, गुलबर्गे में कहीं भी ऐसी चीज़ें अगर आपको नज़र आती हैं, कोई भी इश्यूज रहे, आप हमसे मुखातिब होइए, हमसे हमें कॉल कीजिए, हमें मैसेज कीजिए, हम पर्सनली वहाँ विजिट करेंगे, या फिर आप हमारे ऑफिस पर आकर हमें आप लेकर जा सकते हैं, हम लोग विजिट करेंगे, आपकी बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, बोलो, उसके बाद इम्प्लीमेंट होगा इंशाल्लाह, ऐसी उम्मीद हम रखेंगे, क्योंकि देखिए आप असर देख ही रहे हैं। मीडिया का तो ये रूल है साहब जी कि इधर अवाम से जो है लेना और हुकूमत को हुकूमत देना, देना ये बहुत बिल्कुल अच्छी बात है। मीडिया बिल्कुल जो है एक हमारे लिए वो है, लेकिन जी अवाम को चाहिए कि जी पहले ऑफिसों को जाने के बदले अपना मुहासबा करें। जी हाँ यानी कि आप कार में हम हाँ मुआयना ना करें, फिर कार से थोड़ा उतरें। आप आइए देखिए, और आप खुद पहले संभलिए, आप जी अपना गड़ा पहले बंद कीजिए, जी हाँ आप अपना गड़ा बंद करके उसको टैप को कनेक्शन लेकर अंदर लीजिए या ऊपर लीजिए ताकि गंदा पानी ना जाए। जी हाँ आप पहले अपने टैप को बनाकर फिर बाजू वाले को बोलकर फिर आप अपने महल्ले वालों को बोलेंगे तो ये पहला काम होगा। जी पहले ऑफिसरों पे हाथ डालने की जरूरत नहीं है, जी उसके बाद कैसा गंदा पानी आता है देखेंगे। देखेंगे तो नल हमारे, जी गड़ा हमारा, जी पाइप हमारा, जी तो हम सुधार लेना चाहिए, बिल्कुल हम पहले सुधरेंगे फिर उनको सुधारेंगे, जी ये हाँ होला बात। देखिए काफ़ी अच्छी बात कही, मेरा साहब ने गौर व फिक्र करने की बात है ये। डॉक्टर मोहम्मद शफी साहब कह रहे हैं पावर इज़ वेस्ट भाई। जी हाँ बिल्कुल आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ। मोहम्मद मेराजुद्दीन साहब कह रहे हैं वो मतलब ये कि मेमोरेंडम देने के बाद जब तक पहुंचना पहुंचना जाए कार्रवाई नहीं हो सकती, इसकी जिम्मेदारी भी जानता वो पर बंदा। अच्छा ख्याल है आपका। जी हाँ बिल्कुल शुक्रिया जनाब। सरकारी सरकारी कारकुन कोई जिम्मेदार नहीं होंगे इस मेमोरेंडम पर, कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल मैं वही कह रहा था मेरा साहब, देने के बाद भी फॉलो करना। जैसे फॉलो स्कूल में करना हम एग्ज़ाम देने के बाद 10 मार्च को जाके खड़े हो जाते हैं रिजल्ट के लिए, तो रिजल्ट का वेट तो कोई आप करते नहीं, पता नहीं क्या होता है मेमोरेंडम्स का। ट्रैफिक की थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, ट्रैफिक का भी हम थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा। दरगाह एरिया में सबसे ज़्यादा ये चाहे क्या ऑटो वालों की गलती है, क्या
लोगों की गलती है जिस तरह से गाड़ियों को बेजिम्मेदाराना ये लोग खड़ाते हैं, या होटल वालों की जिम्मेदारी है, या दरगाह की जिम्मेदारी किसकी है, क्या ट्रैफिक कंट्रोल की है, क्या उसको आखिर ये है क्या? ये देखिए, आप जो है सबसे पहले ये गुलबर्गा शहर में इंक्रूजमेंट एक बड़ी बीमारी है। जी इंक्रूजमेंट का मतलब दुकाना आगे आगे आना जी और सरकारी जमीन पर दुकानें लगाना, जी जो चलने फिरने के लिए है, जी जो सड़क होती है, जी सड़क के बाजू भी थोड़ी जमीन छोड़ी जाती है, फुटपाथ उस फुटपाथ भी हो सकता है, पार्किंग के और लिए जगह उसको थोड़ी रेवेन्यू लैंड भी कहा जा सकता है जी उसको ऑफिशियली जुबान में। जी वो जगह छोड़ने के बाद, फुटपाथ छोड़ने के बाद हमको चलना है। जी आप बताइए कि इंक्रूजमेंट की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो पुलिस की है। जी पुलिस को चाहिए कि इंक्रूजमेंट को क्लियर करके देना। जी इंक्रूजमेंट से नालियां भी जाम हो रही जी और लोगों का रास्ता भी बंद हो जा रहा। बिल्कुल ये समस्या दरगाह की, रोजे की नहीं है, जी ये बाजार की नहीं है, जी ये शाह बाजार की नहीं है, पूरे शहर की है। बिल्कुल बिल्कुल इंक्रूजमेंट जो है गुलबर्गा में, पुलिस को चाहिए कि वो इंक्रूजमेंट को फौरी हटाए ताकि ट्रैफिक को क्लियर करने में आसानी हो। जी हाँ जैसे मिसाल के तौर पर बाजार, जी बाजार में फुटपाथ है, जी लेकिन फुटपाथ पर जब हम चलने की कोशिश करते हैं तो दुकान वाले अपने डागा, फेटिया, जनरेटर, जी टोकरे रख देते सारी हैं, तो अपने लाजमी बात है वो आदमी रोड पे आ जाता है। जी रोड पे आते ही ट्रैफिक बंद होती है, ट्रैफिक बंद है वो गाड़ी वाला हॉर्न बजता है, वे रोड पे कहीं कुछ चल रहा है बोल रहा है जी उसको, हाँ तो वो कहाँ से चलेगा वो आदमी। जी तो हाँ आप इंसानों को चलने के लिए जगह भी नहीं फराहम कर रहे, जी तो ये क्या डिपार्टमेंट? पुलिस कुछ डर दी पब्लिक, जी हाँ पुलिस अगर डंडा मारे हटा यहाँ से बोले तो हटाते, जी हाँ पब्लिक हटा बोले तो उसको कुछ मारते हो, चल बिल्कुल। जा बे बेटा थोड़ी देर के लिए आको। नहीं गाड़ियां पकड़ना ये एक जिम्मेदारी नहीं है पुलिसों की। नहीं नहीं गाड़ी पकड़ना ही नहीं उन्होंने, जी कभी कभार कोई रूटीन चेकिंग वगैरह है, लेकिन जी उनको एक काम करो बोलते ही तो उन्होंने गाड़ियां पकड़ते हैं। आजकल का तो डेली का रूटीन होके बैठा है। सेंट्रल बस स्टैंड के बिल्कुल बाजार आप देखेंगे सुबह 11 बजे से लगे हुए हैं पुलिस गलत है ये, ऑफिसर्स पुलिस इस तरह हर तरफ। शहरियों को हरासमेंट नहीं करना, कभी कोई रूटीन चेकअप में रात में, दिन में, रात में वगैरह करना। जी जहाँ गाड़ियां चोरी होती वहां तो पुलिस रहती नहीं, जी जो शरीफ लोग जाते रहते उनको पकड़ को, ये कहाँ है पॉल्यूशन कहाँ है, इंश्योरेंस कहाँ है, ये सब उनका लुकआउट है। जी वो इंश्योरेंस भरे तो उनको बेनिफिट मिलता है, नहीं भले तो नहीं मिलता, जी हाँ बिल्कुल। बिल्कुल वो क्या जिसकी है गाड़ी है उसका है इसमें बात उनका है। लुकआउट है वो, जी हाँ उनको ज्यादा पुलिस को इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है। आप पहले ये जो चीज़ों को सॉल्व करना सवाल करना, जिस हम तरह से बात आप। करना पुलिस से जाके, साहब ये काम करो, आपके ये काम है, जी लोगों को रास्ते का ट्रैफिक क्लियर दीजिए, जी एक जुलूस आ जाने दीजिए जगत से डीसी ऑफिस तक, जी एक जुलूस आ गया तो पूरा गुलबर्गा परेशान हो जाता। बिल्कुल क्योंकि वहां तिम्मापुरी चौक से गाड़ियां क्या करते हैं, अयवांशी को डाइवर्ट करते हैं, जी हाँ एशियन मॉल के पास से होते हुए गुजरते हैं इधर जगत से क्या करती है, इधर डाइवर्ट करती है, और बिल्कुल दोनों जाकर वहां वहीं से मिलते हैं आगे, क्या डाइवर्ट करने का यानी तरीका कि ये है। हाथ के पास से निकले और आप वहीं पहुंच लेफ्ट गए का लेफ्ट को डाइवर्ट करना, राइट का राइट को राइट को डाइवर्ट राइट को। करना, और डिपार्टमेंट को भी डाइवर्ट करना वहां इमीडिएट, जी जाओ हाँ उधर से क्लियर करो, इधर हम देख लेते हैं। जी तो ये छोटे छोटे चीजों के लिए ट्रैफिक का बंद करना है, ये गुलबर्गे के लिए, एम्बुलेंस के लिए, कोई इमरजेंसी के लिए, ऑफिस के लिए, ये बहुत होता है। तो ये जो इंक्रूजमेंट है, जी हमारी वो पहली करना बात तो इंक्रूजमेंट में इंक्रूजमेंट की होगी। बात आ आप रही है, गाजीपुर गौर में करने की जाओ बात है ये। इंक्रूजमेंट है, जी आप हाँ बरमपुर में जाओ इंक्रूजमेंट है, बिल्कुल कहाँ जाओ इंक्रूजमेंट है। जी हाँ गड़े की क्या बात करते हैं, गड़े जी तो कोर्ट के सामने भी बता तुम्हें, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने भी बाहर निकलो गड़ा बता तो आप, बिल्कुल वो बिल्कुल गड़े बिल्कुल स्वाभाविक है, गड़े पड़ना और गड़ों को नेग्लिजेंसी करना जी हाँ जब तक के कोई नहीं मरना, जी कई मरे से वाकयात है, जी हाँ बिल्कुल गवर्नमेंट में खड्डों में रिकॉर्ड है बिल्कुल उसका, ऐसे बिल्कुल। कैसे मारने का उनका एक लक्ष्य प्रोग्राम है तो मगर मार के रहेंगे बचना बचाना करना हमारी एक जिम्मेदारी वो, होके बैठी है बिल्कुल मेरा बचाना साहब। है हमको, बिल्कुल बचाना है, और वो गढ़ों को भी जो है ना निशानदेही करना है। देखते जी हैं कि उन्होंने आज नाली देख कर गए, गड़े देख कर गए, तो कल तक इंतजार करेंगे दो देखेंगे रोज, कुछ बात हुई है उसका उनकी कुछ तो। अल्टरनेट होना, जी फिर एक महीने के बाद उरुस आता है, फिर बजट आता है, फिर जी काम होता है, फिर बारिश आता है, फिर फिर वही गड़े एक महीने में खत्म हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल तो ये अवाम के ऊपर ज्यादा बनता है जिम्मेदारी, और अवाम के साथ हम भी हैं, हम जी भी उसका एक हिस्सा हैं, जी हमको भी अगर कहीं अगर चलने के लिए गड़ा भर्ती करने के लिए बोलेंगे तो हम भी चलेंगे, बिल्कुल आप भी आइए, क्योंकि हमारा
काम है हमारे लोगों को जो है ना सेफ करने का। सेव करना हमारी ऑफिसरों जिम्मेदारी। की अगर नेग्लिजेंसी हुई तो क्या हमारे लोगों को मरने के लिए छोड़ेंगे? जी हाँ, तो लाइव कमेंट्स में थोड़ा सा हमारी टीम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, थोड़ा सा लाइव कमेंट्स मुझे बताएं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर नेटवर्क इश्यू आने की वजह से मेरे पास लाइव कमेंट्स थोड़े मिस हो गए हैं, 2 से 3, तो वो कमेंट्स देखना चाहूँगा मैं। हमारी टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे थोड़ा सा जो छोटा सा हमारा हथियार है वो फॉरवर्ड करें। जी हाँ, देखिए ये है, तो फिलहाल मेरे पास कुछ कमेंट्स मिस हो गए थे। तो फैसल, मोहम्मद फैसल अहमद साहब कह रहे हैं, इंशाल्लाह गुलबर्गा ज़रूर एक दिन बेहतरीन सिटी में गिना जाएगा, इसी बिल्कुल उम्मीद है। बिल्कुल जैसे कि सही। मैंने कहा, ख्वाब का चर्चा मत करो, सूरज की तमन्ना ना करो, वही बात है ये। जवेरी आफरीन जी फिर से कमिट किए हैं, आवाम में बेदारी और जिम्मेदारी आना ज़रूरी है, बेशक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ही पब्लिक सर्विस के लिए, एक कम्युनिकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन ज़रूरी है। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस बारे में जानना चाहूँगा हमारे मीरा साहब से, जवेरा जी के, इस बात पर, पब्लिक प्लेसेस और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ की कदर पब्लिक को करना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ बिल्कुल, सैयद फारूक साहब कह रहे हैं, हफ्ता लेते हैं ये लोग। सैयद फारूक साहब कह रहे हैं, जसकॉम वालों को बहमनी हॉस्पिटल के पास भेजो, यहाँ एक पोल 50% डैमेज है। जी हाँ, ये आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ती है फारूक साहब, आप पर्सनली उस एरिया के जो जसकॉम वाला है वहाँ पर जाइए, अगर वो बात आप नहीं सुनता है तो आप हमारे तक आइए और हम भी इंशाल्लाह वहाँ पर कुछ कोशिश करेंगे। सैयद फारूक साहब, आप व्हाट्सएप नंबर दो, मैं पिक भेजता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, हमारे पेज पर आप लाइव भेज सकते हैं, और हमारे पेज के आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर नंबर है हमारे एटीवी टीम का, आप वहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो जवेरा जी के इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे, पब्लिक प्लेसेस और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ की कदर पब्लिक को करना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल तो जब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा किले की, जब किले की हम बात करते हैं, ये तो हो गया पुराने ज़मानों, पुरानी हस्तियों की एक ये मतलब खूबसूरती यहीं से मालूम यादगार। होती है, यादगार बिल्कुल चीज़ें हैं, इसको ही ये लोग सही तरीके से नहीं रखें। किले के बाजू जो है भैंसें तैरती हैं वहाँ पर, जसले का उनका एक स्विमिंग पूल बन गया है, जी तो वहाँ पर साफ पानी की बजाय वो पानी गंदा वहाँ पर ठहरा हुआ है। किले की जिम्मेदारी किसके अंदर आती है मेरा साहब? गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो ये गवर्नमेंट उन चीज़ों को भी खूबसूरत बनाने में नाकाम है। ऐसी बात नहीं है। जी किले के ऊपर लाखों तो नहीं करोड़ों जी रुपए खर्च हुआ है जी यानी कि किले किले उसके में। हाँ मेंटेनेंस के लिए, मगर मेंटेनेंस, कोई और टाइप ये जो का। अभी जो रोड बने वहाँ पर, जो जी गेट बना है, अंदर जी जो गार्डन बना है, ऊपर जो फेंसिंग हुआ जी है, और वहाँ जो अंदर मस्जिदों का भी काम किए हैं, जी डिपार्टमेंट ऑफ आरक्यू जी सर्वे सर्वेकल ऑफ इंडिया जो है वो उसको देखते हैं। धारवाड़ से उसका ताल्लुक है, जी धारवाड़ में हमारा उसका ऑफिस है। उसके जी लिए हेरिटेज के लिए एक अलग बजट है, जी वो उसको बहुत बहुत ज़रूरी है। वो जैसा कि आप हफ्त गुम्मत के पास जो है बिल्डिंगा नहीं बनाने का है, जी लेकिन बराबर बनाए लोग जी हाँ 100 मीटर तक, कोई भी ऊंची इमारत नहीं होना, सेकंड फ्लोर नहीं होना, जी, मगर फिर थर्ड भी फ्लोर बना लिए लोग। कौन है इसके जिम्मेदार? ये लोग लोग हैं आप किले के अतराफ जो इंक्रूजमेंट है जी वो भी गलत है। जी हाँ बिल्कुल आज गुलबर्गे में जो सबसे बड़ी बुराई है जी वो जी इंक्रूजमेंट है। जी उसके बाद ये हमारे सर के जो काम करते हैं लोग गलत, नलों का, जी सैनिटेशन का, वो गलत है। आप प्रॉपर कचरे का यूज़ करना, प्रॉपर डंपिंग करना हमारा ज़्यादा काम है। उन्हों उठाकर ले जाना उनका काम है कारपोरेशन के। उतने काम के लिए भी आज लाखों रुपए खर्च हो रहा है। बोलो मैं आपको, ये हिसाब किसके पास है, ये पैसा जा किसके रहा पास हाँ है? अब आप पिछले 2 महीने का आप कलेक्शन देखिए गुलबर्गे के लोगों में कितना डर और भय है कि सुबह 8 बजे टैक्स भरने के लिए वहाँ लाइन में ठहरे हुए। 8 बजे सुबह, सुबह 8 बजे सुबह 8 बजे से शाम में तक 8 बजे तक जी टैक्स, दो दो महीने तक लाइन लगाकर टैक्स भरें जो करोड़ों रुपए हुआ है। ये पैसा हमारा ही है, बिल्कुल, हमारा पैसा ही हम दे रहे हमारा हैं पैसा आज रोजाना लाखों की तैदाद में खर्च हो रहा है, जी लेकिन क्वालिटी वैसी नहीं मिल रही, सफाई वैसी नहीं मिल रही, ये रोना है। क्या कहें, बस अफसोस का नहीं, मुकाम है कुछ। गुलबर्गे के लोगों का आप बहुत हो गए, आप जाग जाना चाहिए, आप जी अवेयर होना चाहिए, जी इसलिए कि जो गर्मी जो गुज़िश्ता महीने गुजरी हमारे ऊपर जी उसकी वजह क्या है, बिल्कुल, ये और लोगों को ये, जानना चाहिए ये हाँ ये बात। जो इन्वायरमेंट हमारा जो खराब हो रहा है उसकी वजह क्या है। इन्वायरमेंट फर्स्ट एंड मस्ट। जी आप अच्छी सांस नहीं लेंगे, आप अच्छा पानी नहीं पीएंगे, आप अच्छी गिज़ा नहीं खाएंगे तो आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है।
आप बहुत बड़े लॉस में आ सकते हैं। तो हमें चाहिए कि पहले अवेयर हो और अपने घर से, बाजू से, गली से, महल्ले से, फिर शहर की बात करना। शहर हमारा है, लोग हमारे हैं, हमारी ज़रूरतें पूरे शहर में है, हमारी गली में ही नहीं रहते हम, पूरे जी शहर का हमको चक्कर काटना पड़ता है। जी आज MS के मिल की गंदगी देखे तो आज हमको ताजुब होता है। बिल्कुल MS के मिल एक ऐसा एरिया है, आज 1 लाख की आबादी है। MS के मिले जितनी MS के आबाद मिल बात करते जिसको हैं कहते बिल्कुल हैं, जी सराउंडिंग MS के मिल एरिया आज अगर हम देखेंगे, 1 लाख से ज्यादा की आबादी है। क्या हो रहा वहां पर काम? वही ये लोग एक एक लाख में के एक लोगों में को बेसिक अम्यूनिटीज क्या मिलना चाहिए था, सैनिटेशन कैसा मिलना चाहिए था, वाटर सर्विस कैसी होना चाहिए थे। आज आप देखिए MS के मिल को जाकर तो आज कलेजा मुंह को आता है। अगर वहां गए तो वहां की गंदगी अगर देखते हैं हम, जी शाहबाजार को अगर देखते हैं हम शेख रोजे को अगर देखते हैं, मखदुमपुरा है, गाजीपुरा, ये पुराने शहर हैं, जी ये मोमिनपुरा, ये आखिरी रोजा तो छोड़ो, ये आखिरी है यहाँ। जी तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। पूरे शहर से आप टैक्स लेते हैं, पूरे शहर को साफ करना, सिर्फ मेन रोड है, ऐवान शाही है, ऑफिसर्स बंगलों के पास अगर सफाई करते हैं और ये गलियों को नालियों को छोड़ देते हैं तो यही डेंजर होता है आपको। आपको बीमारियां कहाँ से आती हैं, वहां साफ करना है। जय हाँ बीमारियां बिल्कुल जहां पनपते हैं वहां सफाई नहीं होती, और बिल्कुल जहां सफाई है वहां सफाई होती है। सफाई की जगह सफाई तो करते हैं ये हम जब हम उनको रिकॉर्ड करके बताना पड़ेगा कि ये सफाई यहाँ होना चाहिए। तो इसमें कई लोगों का मैच फिक्सिंग भी है इसका, जी। तो ये इसका भी पर्दाफाश होना, जब लोग अवेयर हो जाएंगे तो उनको समझ में आ जाता बस ये आँख लोगों की कब खुलेगी, हर कोई मतलब मैं समझ के बाहर है हम लोगों। देखिए काफ़ी अच्छी बात मेरा साहब ने कही, हम लोग अगर अब बेदार नहीं होंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। वक्त हाथ से निकल जाने के बाद अगर कुछ करने के लिए आप सोचेंगे तो वो टाइम पे आप नहीं कर सकते। वक्त अभी थोड़ा बचा है जितना भी है हमारे पास, बिल्कुल। उस वक्त के दौरान आप लोग हम लोग सब मिलकर संभल जाएंगे। तो शेख फरीद साहब ने कुछ स्माइली वाला भेजा है, कोई शुक्रिया जनाब। तो बस चलते चलते ये कहना चाहूँगा, देखिए ये तो हमारी दीनी बात है, हमारे इस्लाम में है कि पाकीज़गी आधा ईमान है, मगर कोई फॉलो इसको नहीं करता है। बचपन में दीनियात में हमें जब पढ़ाया जाता तो हम पढ़ते थे, आज हम उस बातों को मिस करते हैं। ये स्कूल में पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं हमें वो भी नहीं मालूम है। पाकीज़गी की आधा ईमान है, पाकीज़गी को आप बरकरार रखने की कोशिश कीजिए। चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारी जो आवाम है जो बेदार नहीं हो रहे, नहीं उन्हें क्या नहीं कहना चाहेंगे? बेदार है, बेदार नहीं हो रहे, नहीं बेदार है, मगर आगे लेकिन नहीं आ रहे हैं ये लोग बेदार बेजार रहने के बाद, नहीं, बेजार भी हैं। बेजार भी हैं। बेजार क्यों हैं बोले तो जी उन्होंने चाहते हैं कि ये काम करने के लिए हमको पावर चाहिए, समझते हैं। पावर की जरूरत नहीं है इसमें, खतई ऐसा यहाँ कोई पावर की, मतलब आपकी यूनिटी की जरूरत क्या पावर, सुपरमैन स्पाइडरमैन नहीं, मतलब क्या ऐसा हल्क नहीं। नहीं। अच्छा उन्होंने जो चाहते हैं जी कि हमको कोई पावर हो, हमें कोई पॉलिटिकल पावर हो, अच्छा, यानी कि कुछ ऐसा ऐसा चाहते हैं, लेकिन जी दरअसल ऐसा नहीं है। वो आप में बहुत पावर है, आपको हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना बहुत पावर दिया है। बिल्कुल आप 1 से 4 अगर मिलेंगे तो 4 से 40, 40 से 400, 4 हजार हो जाएंगे। ये हमारे में अवेयर आ जाना, हमारे में बेदारी आना चाहिए। आप मेरे को ये बतलाइए, एक मिशन हमारे पास निकला था स्वच्छ भारत। वो तो पता नहीं कहाँ है क्या है स्वच्छ स्वच्छ भारत। भारत मुल्क का वजीर आजम जी अपने हाथ में झाड़ू पकड़ के जब सफाई कर सकता है, जी कई डिग्निटीज, कई सेलिब्रिटीज इसको सपोर्ट किए थे, उसको सपोर्ट करे, क्या हम झाड़ू पकड़कर अपनी गली साफ नहीं कर सकते? नहीं नहीं ये क्या नहीं कर, हम झाड़ू पकड़कर अपना मोहल्ला साफ नहीं करते? तो ये आप में गलती है। जी हाँ बिल्कुल ये मैं आपको तल्ख हों दे या कड़वा सच हों दे, बिल्कुल ये ये काफी कबूल करो आप बिल्कुल कि बिल्कुल मुल्क का वजीर आजम झाड़ू पकड़ सकता है। कितने सेलिब्रिटीज, कितने डिग्नेटीज, इंक्लूड सलमान खान, जी हाँ कैसे लोग जो सिक्योरिटी में रहने वाले लोग बिल्कुल वो आकर झाड़ू पकड़कर साफ करे? आप बताइए, अपनी गली साफ करे, अपना मोहल्ला साफ करे। ये लोग पबजी से निकले तो छोटा तो ये हम चाह रहे हैं जी कि हमें पहले ये खुददारी आना, ये मोहल्ला हमारा है, जी बिल्कुल ये गली हमारी है, ये शहर हमारा है, ये मुल्क हमारा है, तभी तो जाकर होगा ना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा। क्योंकि पूरे देश के लिए स्वच्छ भारत था, ना कि गुलबर्गे के लिए। आप स्वच्छ नहीं करेंगे तो वो आपको स्मार्ट सिटी कैसा आएगा? बिल्कुल आपकी गंदगी देख के जो वापिस गए लोग, बिल्कुल तो सिंपल ये सी गलत बात है, है। स्मार्ट बनने के लिए देखिए तो क्या करते हैं। हम कॉरपोरेशन और पुलिस को हम ये बोलना चाहते हैं कि आप दो डिपार्टमेंट जॉइंटली आप जो है इंक्रूजमेंट को निकालो पहले,
पूरा भांडा फूट जाता आपको, बिल्कुल कितना स्पेस है, कितनी जगह है, लोगों को कितना अच्छा मिलता है। जी आज ठहरने जगह नहीं, जी चलने फिरने जगह नहीं, जी शराब बाजार में जगह नहीं, मार्केट रोड पे जगह नहीं, मार्केट में जगह नहीं। अरे जी कैसे हम आए, कैसे परचेस करें, हमारी माए बहने हमारी दुनिया की हम देखते हैं मार्केट में, वो कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। आप मार्केट आकर देखिए, शराब बाजार आकर देखिए। एक दुकान गुलबर्गे में ऐसी है, जाजी की दुकान है, वहां जाजी की दुकान को आना, जो गांव का आदमी कहाँ का है, दवा आ सकता है, टू व्हीलर ला सकता है नहीं, फोर व्हीलर सोच सकता है नहीं, कैसा फिर गुलबर्गा है ये? गुनाह है सोचना वो एरिया तो में। यहाँ पर जब हजारों करोड़ों रुपए का जो बजट हो रहा, वो किस काम में जा रहा है? वो बिल्कुल अवाम को कोई सहूलत ही नहीं हो रही। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, लॉ एंड ऑर्डर से, पब्लिक से, हमारी शहर हमारा, लोग हमारे, मसाइल हमारा, जिम्मेदार हम। बिल्कुल हम अपनी जिम्मेदारी अगर सही तरीके से निभाएंगे तो ऑफिसर्स भी आपके साथ आएंगे, पूरा फोर्स आपके साथ हो जाएगा, और आपको कुर्बानी देना पड़ेगा, आपकी दुकान पीछे लेना पड़ेगा, आपका इंक्रोचमेंट आना आना पड़ेगा। आज नाली को अपनी समझते घर वाले, नाली के ऊपर डाल लेते हैं। बिल्कुल तो ये गलत है। सामने खंभा रहा तो खंभे से तार खींच लेते हैं, झाड़ रहा तो झाड़ को अंदर कर लेते हैं। तो ये बुरी आदतें निकाल लेना चाहिए, बिल्कुल पीछे हटके बैठना चाहिए, सामने वाले को रास्ता देना चाहिए। क्योंकि ये सब हमारे क्या कहते हैं ना, लोग आखिर आ ही गए उन रहनुमाओं की चालों में। जी लोग आखिर आ ही गए उन रहनुमाओं की चालों में। अरे डर था जिन्हें लुटने का अंधेरे में, वो तो लुट गए उजालों में। ये उजाले में लुटी हुई कौम है। क्या बात कही आपने, देखिए काफी मतलब क्या है ये, इसको आप अगर समझेंगे तो काफ़ी मतलब समझने वाले के लिए बहुत प्यारे ऐसे अल्फाज हैं ये। तो निज़ाम अंसारी साहब पूछ रहे हैं तुम करें। निज़ाम साहब हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक यही कहावत दोहराई जाती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगर हमारे साथ कोई अगर इनिशिएटिव लेता है तो हम बिल्कुल स्वच्छ भारत के हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं निज़ाम साहब। पहला नाम हमारा, और सबसे पहला नाम इंशाल्लाह हमारा ही रहेगा। आप लिख कर हमारे पास ला सकते हैं हमारा नाम, उसके बाद थर्ड फोर्थ किसका लिखते हैं साइन कर देंगे और साथ चलेंगे। बिल्कुल आप एक बार करके देखिए निज़ाम साहब, हम बिल्कुल करने तैयार हैं, करने तैयार हैं बोल के तो हम आज यहाँ पर बैठे हैं अपने वक्त को रोक कर, जो हमारी चीज़ें हैं। तो काफ़ी अच्छी बात आपकी कही, लुट गए उजालों में, तो उजालों में उजाले के लुटने से बचिए। क्या है बताइए आप, तो वही बात हो गई जिस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी, क्योंकि काफ़ी कॉमेडी में एक बात कही गई थी, एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था बोलते कोई कोई आदमी शख्स ट्रैवल कर रहा था, तो अचानक ट्रेन में ऊपर चढ़ के फैन खोल रहा था, तो कुछ लोगों ने उससे पूछा अरे ये फैन क्यों खोल रहा है, तो अचानक जब वो बोलता अरे भाई सरकार बोल रही पब्लिक प्रॉपर्टी तो मैं मेरा फैन निकाल रहा हूँ वो लगातार। तो वही बात होगी, प्रॉपर्टीज को आप मतलब वो मत कीजिए, हमारी प्रॉपर्टी है वो, तो मतलब उसको हिफाजत करना है, हम हिफाजत नहीं हिफाजत करना है, निकाल कर लेकर जाना नहीं है। तो बस कीप वॉचिंग एटीवी, जितना ज्यादा हो सके आप हमारे साथ बनने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर आप लोग जिम्मेदारी लेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर से वही बात कहता हूँ, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, और एक लकड़ी टूट जाती है, 10 लकड़ियाँ अगर मिल जाएंगी तो कोई नहीं तोड़ सकता इसको, आरे की मशीन भी नहीं तोड़ सकती। तो चलते चलते एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे आप आवाम को और जिम्मेदारों को? बिल्कुल, अगर हमें शहर के हमारे को शहर से मोहब्बत है जी, तो सब लोग मिलना पड़ेगा जी, और सब चलना पड़ेगा जी। मैं चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। जी हाँ, तो लोग जुड़ने दीजिए इसी बहाने, कारवां को हम वो मिस कर रहे हैं, ना जाने वो कारवां कहाँ खो गया। तो बस चलता हूँ, बस खुश रहिए, आबाद रहिए, बारिश के लिए थोड़े से दुआएं करते रहिए, जिस तरह से आप लोग रमज़ान में कर रहे थे वहीं कंटिन्यू दुआएं रखिए, वहीं कंटिन्यू इबादतें रखिए। हम सब अपने आप को हम सबको मिला के बोलते चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, आबाद रहिए, स्वच्छ भारत अभियान में जुड़ने की कोशिश कीजिए, साफ़ सफाई करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफिज़।